हेलो गाइज, मैं मनीष तिवारी। यदि आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन एक मोटिवेशनल कहानी या एक रोचक जानकारी। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल में कौन सा बल कार्य करता है? क्या आपको पता है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? यदि आप पहले पढ़े हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आज की चर्चा इस विषय पर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि ब्लैक होल है क्या? तो ब्लैक होल एक खगोलीय क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा होता है। दूसरा सवाल है कि ब्लैक होल में कौन सा बल कार्य करता है? तो ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है। यानी सब मिलाकर ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इस ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल का क्षेत्रफल तथा ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति इतनी काफी मजबूत होती है कि यह किसी भी चीज को अपने तरफ अट्रैक्टिव करने में सफल होती है। ब्लैक होल के सिद्धांत को चंद्रशेखर के ही नाम पर चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। चंद्रशेखर ने ही बताया कि जिस तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो जाता है, वे अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाते हैं और ब्लैक होल के निर्माण में जुड़ जाते हैं। इस बड़े योगदान के लिए, इस महत्वपूर्ण खोज के लिए चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।